जीआरपी थाने स्टाफ को इंजन के शोर से मिली मुक्ति, नई बिल्डिंग के रूप में मिली नई सौगात। वर्षों से ट्रेन इंजन की कान फोड़ू आवाज से परेशान जीआरपी थाने के स्टाफ को इस समस्या से मुक्ति मिल गई है। थाने को 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर नई बनी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डीजी रेल रेलवे के अधिकारियों ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। थाना प्रभारी आरसी महाजन ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कई वर्षों से जीआरपी थाना जिस जगह बना हुआ था, अधिकांश ट्रेनों के इंजन इस जगह पर खड़े होते थे और दिन भर ट्रेन की कान फोड़ आवाज के कारण पूरा स्टाफ परेशान रहता था और दरवाजे खिड़की बंद रख कर वे काम करते थे। लंबे समय से उक्त थाने को अन्य जगह पर ले जाने करने की मांग की जा रही थी और अब पूरी हो गई है। जीआरपी थाने को 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर भेज दिया गया है। ये हर समस्याओं को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश शासन और हमारे डीजीपी महोदय भोपाल और डीजीपी महोदय रेल, इनके निर्देशन में एक मॉडल थाना बनाया गया है जिसकी बिल्डिंग तैयार होकर के अभी कल केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री श्री मिश्रा जी, उनके द्वारा एक पूरे मध्य प्रदेश में थानों का, पुलिस के क्वार्टरों का एक वर्चुअल उद्घाटन कल उनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। उसी तारतम्य में जीआरपी थाना उज्जैन का भी उद्घाटन हुआ है और उसमें अभी बहुत जल्दी वहाँ पुलिस थाना शिफ्ट होगा और जिससे कि उसमें पुलिस को जो आम पब्लिक आने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं होती थी या पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती थी या बहुत कंजेस्टेड जगह होती थी और एक यहाँ पर पुलिस के कर्मचारियों को भी, चूंकि रेलवे स्टेशन का ये लास्ट छोर है और यहाँ पर हर गाड़ी का इंजन आके रुकता था, इतना शोर होता था कि कई फरियादी आम पब्लिक अपने पीड़ित होने के बाद में भी वो अपने बच्चों के साथ यहाँ इतने शोर में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते।